हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाईवे प्रोजेक्ट ब्लॉग्स में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। गंगा एक्सप्रेसवे के ऑफिस का रायबरेली जिले में ऊंचा हार उद्घाटन हुआ। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक कुल 594 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बेहतर नेटवर्क और इंटर कनेक्टिविटी से सूबे का हर छोर प्रदेश और देश की राजधानी से जुड़ सकेगा। एक्सप्रेसवे पर 17 जगहों पर इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी, 6 लेन होंगे। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए बताई जा रही। इसके तहत शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। मैं आईटीडी से रिप्रेजेंट करता हूं। आज हमारा पैकेज आईटीडी से जो पैकेज 11 का इनोग्रेशन, ऑफिस का इनोग्रेशन हो गया। पैकेज 11 बोले तो आईटीडी का पैकेज हमारा चालू होता है चेनेज 445 से 156 किलोमीटर का ये टोटल स्टेज है। उसमें से तीन स्टेज डिवाइड कर लिए है जो आईटीडी के स्कोप में है। उसमें 10 है, पैकेज 11 है, पैकेज 12। पैकेज 10 का जो ऑफिस सेटअप, कैंप सेटअप, वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद उसका ऑफिस का इनोग्रेशन भी हो चुका है। आज बेहद खुशी होती है कि आज पैकेज 11 का हम लोग कैंप का ऑफिस का इनोग्रेट करने जा रहे हैं। हो गया है इनोग्रेशन और जल्दी ही पैकेज 12 का भी अभी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल हाईवे प्रोजेक्ट ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दें। अभी जब बात आती है ग्रेडर की, तो ग्रेडर में सबसे नंबर वन जो इंडिया में है वो कैट ग्रेडर है। मतलब मेरे हिसाब से तो कैट ग्रेडर है। आपके हिसाब से कौन सा ग्रेडर बेस्ट है वो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट करके। और ये ग्रेडर है ल्यूगोंग का, अभी लॉन्च हुआ है। शायद अभी हमारा कंपनी ने न्यू 5 ग्रेडर्स इस प्रोजेक्ट में उतारे हैं अभी। और भी बहुत सारे ग्रेडर हैं, कैट है और ये क्या बोलते हैं, हाँ कैट के ज़्यादा है, ली बॉय है ना, और बिमल है, कोमसु है। मैक्सिमम ग्रेडर जो है वो कैट के ही है हमारे पास अभी। और आप देख सकते हैं हमारा ऑफिस जो है वो बन चुका है और अभी भी कुछ काम बाकी रह गया है जो देख सकते हैं आप। अभी स्लैश रिमूविंग और अदानी ऑफिस भी बना रहे हैं अभी, वो हमारा स्कोप में अदानी ऑफिस भी है। और आप देख सकते हैं बारिश की वजह से बहुत सारा दिक्कत हो रहा है अभी। और देखिए आप कितना मॉइस्चर है, पूरा बेड एकदम गीला है। ये रास्ता इसमें जीएस भी पड़ा हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं। आप देखिए अभी भी काम बहुत सारा बाकी है। साइड वॉल की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, टाइल्स वर्क चल रहा है अभी। अभी हमारा ऑफिस लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 30% जिसमें अदानी का ऑफिस बना हुआ है और लैब, हमारा लैब अभी बाकी है और स्टोर का जो बिल्डिंग है वो बाकी है। तो इस तरीके से ये जो है ये अदानी ऑफिस बन रहा है। और इसके बाजू में ही आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेके चलता हूँ उधर में। और देखिए ये हम जा रहे हैं अभी जहाँ पर लैब बनेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी लैब वाला जो पोर्शन है वो एक्सेबेटर जो चल रहा है जस्ट उसके पीछे है। ये वाला जो है ये वाला जो है आपने देखा होगा फाउंडेशन क्या हुआ, ब्रिक्स का फाउंडेशन क्या हुआ है उसमें। जो उधर में जो गेट ओपन किया है अभी, पहले थोड़ा छोटा था तो अभी जब डंपिंग स्टार्ट हुआ वैक फिलिंग के लिए तो उस गेट को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है। तो इस वजह से वहाँ से गेट रहेगा अपना स्टोर का, और गेट के सामने स्टोर रहेगा और उसके पीछे लैब रहेगा। अभी कहीं कहीं
बारिश रुक गया है तो सीएनजी वर्क चालू है भी, आप देख सकते हैं। पीपल का पेड़ बहुत पुराना है, लगभग इसको 70 to 80 ईयर्स हो गया है। वहाँ के जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो बताते हैं कि काफ़ी पुराना ये पेड़ है और इसको तोड़ना, इसको गिराना एक अपने आप में कहानी है। इसमें भगवान वास करते हैं, यानी कि उसमें समाये हुए हैं, तो उसको अभी क्या है, पूजा पाठ करने के बाद ही उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको गिराना पड़ेगा। और उसके बाजू में ही मंदिर है, माता का मंदिर है, उसको भी शायद एक दो दिन में उसकी पूजा पाठ करके और उसको शिफ्ट किया जाएगा। और ये जो पेड़ है, इसका एग्जैक्ट यानी जो है वो 596 प्लस 170 के आसपास है, 170 या 150 के आसपास है। और चैनपुर गांव पड़ता है ये, आप गूगल पे भी देख सकते हैं इसको, चैनपुर गांव पड़ता है। यहाँ पर अभी सीएनजी चालू है और इन्वेंट्री में अभी जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसमें बहुत सारे पेड़ हैं अभी, जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, 1 मीटर डाया 1.5 मीटर डाया के जो पेड़ हैं, अभी तक उनका परमिशन अभी नहीं आया, तो उस वजह से उनको अभी कटिंग नहीं किया गया है, रिमूव नहीं किया गया है, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। और ये जो बिल्डिंग है फ्रेंड, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का लाइब्रेरी है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो बहुत बड़े नाटककार कवि रह चुके हैं, तो उनका यह लाइब्रेरी बना हुआ है। कहते हैं कि उनका गांव भी यहाँ पर ही है, तो उनकी याद में यहाँ लाइब्रेरी बनाया गया है, देख सकते हैं। बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, मैं उसके अंदर तो नहीं जा सका, लेकिन बाहर से मैंने देखा कि अच्छा लाइब्रेरी है। अभी भी वर्क चल रहा है इसमें, तो अभी भी काफ़ी वक्त लगेगा इसको बनने में। तो अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसके अंदर जाकर आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। अब देख सकते हैं ट्रैक्टर से भी सीएनजी किया जा रहा है अभी, जैसे खेतों में हम करते हैं ना, उस हिसाब से किया जा रहा है।